हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितने लकी इंसान हो? दोस्तों, जो हेल्दी है, जिनकी कोई शारीरिक परेशानियां नहीं है, उनसे ज्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है? आपको अगर यकीन नहीं हो रहा तो आपको बता दूं कि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो कि तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं, वो भी जन्मजात। दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाने वाले हैं जो कि दुनिया की सबसे अजीबोगरीब तरह की बीमारियों से परेशान हैं। बस दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो आप देखने वाले हैं उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि जो दुनिया में स्वस्थ इंसान है वो सबसे लकी इंसान भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर वन, दोस्तों सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं फिश बॉय से। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इनकी स्किन कैसी है। दोस्तों, इनका नाम है मिलान, जो कि वियतनाम देश के रहने वाले हैं। दोस्तों, जिस बीमारी से ये पीड़ित हैं वो बहुत रेयर है, 10 करोड़ लोगों में से शायद किसी एक को हो जाए। लेकिन दोस्तों, आप खुद ही देखिए ना कि इनकी स्किन की हालत कैसी है, ये कैसे दर्द से तड़प रहे हैं। कई लोग जो ये मानते हैं कि इंसानों की शुरुआत बंदर से नहीं बल्कि फिश यानी कि मछलियों से हुई है, उनके लिए ये एक एग्जाम्पल है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस तरह की स्किन प्रॉब्लम किसी को भी बहुत ज्यादा दर्द देती है। कहा जाता है कि इनका दर्द झेलना किसी के बस की बात नहीं है। इनकी स्किन से चिपचिपा सा कुछ निकलता रहता है। दोस्तों, इनकी स्किन में बहुत जलन होती है, इसलिए डॉक्टर इन्हें हमेशा या तो कोई क्रीम लगा के रखने के लिए बोलते हैं या इन्हें दर्द से बचने के लिए ठंडे पानी में स्विम करना होता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये कितने परेशान हैं। हम इनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। नंबर टू, अलेक्जेंड्रा सियांग। दोस्तों, इस बच्ची का नाम अलेक्जेंड्रा सियांग है और ये बच्ची सिर्फ 14 साल की है, लेकिन इसका शरीर किसी जवान लेडी की तरह लगता है। और डॉक्टरों ने बताया कि एक ऐसे हार्मोन की वजह से हुआ है जिसकी वजह से 14 साल की उम्र में 21 साल की लड़की की तरह बच्चे दिखने लगते हैं। दोस्तों, शुरू में अलेक्जेंड्रा को खुद के शरीर को देखकर अजीब लगता था और सब इनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन बाद में उसके कुछ दोस्तों की वजह से वो अपने शरीर को लेकर कंफर्टेबल हो गई। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये दिखने में काफी वाकई खूबसूरत भी हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अलेक्जेंड्रा अच्छी लगी तो हमें कॉमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताएं। नंबर थ्री, दोस्तों अब हम आपको मिलवाते हैं इंग्लैंड के एक ऐसे इंसान से जिन्हें कि एलिफेंट मैन के नाम से भी जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म 1862 में हुआ था। दोस्तों, जब ये पैदा हुए थे उस समय ये बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी बॉडी में चीजें बदलने लगी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका चेहरा कुछ दिनों के बाद पूरी तरह से बदल गया। सबसे पहले तो इनके होठ मोटे हो गए, उसके बाद दोस्तों इनके सिर के ऊपर में 2 बड़े-बड़े से फोड़े हो गए। कुछ ही दिनों के बाद इनका चेहरा ही पूरी तरह से बदल गया। ये देखिए कैसे ये मोटे चेहरे वाले लगने लगे। दोस्तों, कहा जाता है कि ये इतने डरावने लगने लगे कि इन्हें भूतिया फिल्मों में काम मिलने लगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये कुछ दिनों के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। इनकी आंखें छोटी होती जा रही थी और इनके दोनों हाथ जरूरत से कहीं ज्यादा लंबे। दोस्तों, मामला यहां तक पहुंच गया कि इनको कई सालों तक हॉस्पिटल में रखना पड़ा। दोस्तों, लेकिन एक दिन ऊपर वाले को इन पे तरस आ गई और इनके दर्द को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, ये दुनिया से चले गए। दोस्तों, आप भी अपनी राय, अगर कुछ भी बात आप कहना चाहते हैं तो वो जरूर साझा करें कॉमेंट सेक्शन के जरिए। नंबर फोर, दोस्तों इस बच्चे को सब द मास्क बॉय के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, इनके चेहरे को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों सब इसे मास्क बॉय कहते हैं। दोस्तों, ये भी चीन में पैदा हुए। इन्हें देखकर एक बार तो डॉक्टर को भी समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन जब इनके चेहरे पर रिसर्च किया गया तो पता चला कि इनके चेहरे के ज्यादातर टिश्यूज खराब हो चुके हैं और ऐसे में इस बच्चे का बच पाना मुश्किल था। लेकिन कहते ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। दोस्तों, ये बच्चा अभी भी इस दुनिया में है और आपको जानकर खुशी होगी कि ये बच्चा अब पूरी तरह से स्वस्थ है। हालांकि कई बार इसने तकलीफों का सामना यकीनन किया, लेकिन अब ये पूरी तरह से फिट है। नंबर फाइव, दोस्तों अब हम आपको मिलवाते हैं जाफरी से, जो कि कजाकिस्तान के रहने वाले हैं। दोस्तों, आप इनके पैरों को देखिए, ये कितना बड़ा हो गया है। दोस्तों, ये कोई फलेरिया नहीं है जिसमें पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। दोस्तों, ये किसी और ही किस्म की बीमारी है। कहा जाता है कि इन्हें एक अलग ही किस्म की बीमारी है जिसमें न सिर्फ इनके पैरों का साइज बढ़ता जा रहा है, बल्कि यहाँ आप देख सकते हैं कि इनके अंगूठे भी टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि ये 1 करोड़ लोगों में से किसी एक को होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये इनकी फैमिली का ही दूसरा केस है। इस दर्द का कोई इलाज नहीं है और अगर दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाए तो ठंडे पानी में तैरने के अलावा और कोई इलाज भी नहीं है। दोस्तों, कहा जाता है कि ये बीमारी आपको धीरे धीरे तोड़ देती है। अब चलना फिरना बंद कर देते हैं, आपकी जिंदगी किसी और के भरोसे रह जाती है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इनकी मम्मी ही इनकी सेवा कर रही हैं। नंबर सिक्स, दोस्तों अब हम आपको इंडोनेशिया के ट्री मैन से मिलवाते हैं। दोस्तों, ये देखिए इनके शरीर पे कितने फोड़े हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि आजकल दुनिया में ट्री मैन के नाम से जाने जाते हैं। ये देखिए ना इनके हाथ को,
क्या आपने कभी इस तरह की कंडीशन में किसी को पहले देखा है? नहीं ना, कभी आपने किसी इंसान के हाथों को इस भयानक हालत में देखा था? नहीं, मैंने तो नहीं देखा था। दोस्तों, ये एक अलग ही तरह की बीमारी है। इस बीमारी के बारे में कहा जाता है कि कई करोड़ लोगों में से किसी एक को इस तरह की बीमारी होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, इनके हाथ का वजन भी इतना ज्यादा हो गया है कि इनके लिए इसे संभालना बहुत मुश्किल है। कई बार डॉक्टर्स ने इनका ऑपरेशन भी किया, इन्हें ठीक करने की कोशिश भी की, लेकिन मामला जमा नहीं, ये बार बार बीमार हो जाते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, इन्होंने कई बार अपने आप को खत्म करने की भी कोशिश की, लेकिन लकली आखिरी समय में इन्होंने हर बार अपना इरादा बदला। दोस्तों, आज ये बहुत तकलीफ में है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे बीच है, ये बहुत बड़ी बात है। इंसानियत अभी भी इस दुनिया में कायम है और कई देशों से इनके लिए पैसे आते हैं। कई लोगों ने तो इनके नाम पे इतने पैसे डोनेट किए हैं कि इन्हें कभी तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो एक ऐसा ही केस हमने बांग्लादेश में भी देखा था। वहां भी डॉक्टर्स ने खूब प्रयास किया था इन्हें ठीक कर देने का, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। नंबर 7। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी इंडियन लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी कहानी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन दोस्तों इन्होंने देश का नाम रोशन कर दिया है। दोस्तों, ये देखिए, इनके पास दो बहुत ही छोटे छोटे से हाथ हैं। इतने छोटे कि कोई भी काम करना इनके लिए बहुत मुश्किल है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इनका एक पैर भी कम है, यानी कि ये जनजाति एक पैर से ही पैदा हुई हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जब इतनी परेशानी आपकी लाइफ में हो तो कई लोग जिंदगी में हार मान लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये अलग हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी है। दोस्तों, इनका सपना है कि ये टीचर बने और ये खूब मेहनत भी करती हैं, ये दिन रात पढ़ाई करती हैं। ये देखिए दोस्तों, एक पैर से कैसे पेंटिंग कर रही हैं, एक पैर से ही ये सारे काम कर लेती हैं, यहाँ तक कि लैपटॉप भी चला लेती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इनका ब्रेन बहुत शार्प है और ये अपने मकसद में यकीनन सफल हो जाएंगे। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इनका सपना जल्द से जल्द पूरा हो जाए, लेकिन दोस्तों आप खुद ही देखिए कि ईश्वर ने हम सबको कितना भाग्यशाली बनाया है, तब भी हम दिन रात जिंदगी से शिकायत करते रहते हैं। लेकिन इन्हें देखिए, जन्मजात इतनी परेशानी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपनी कमियों पर ध्यान नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत पे फोकस किया और उसी से आगे बढ़ी। देश को निश्चित तौर पे इन जैसे लोगों पे नाज है। नंबर 8। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे इंसान से जो कि 12 उंगलियों के साथ पैदा हुए थे। जी हाँ दोस्तों, इनका निकनेम भी बहुत प्यारा है और इनका निकनेम है 24। अब आपको लगेगा कि भला कोई अपना नाम 24 क्यों रखना चाहेगा, तो दोस्तों मामला ये है कि इनके हाथ और पैर में हमसे एक एक उंगलियां ज्यादा थी। दोस्तों, कुल मिलाकर इनके पैर में और हाथ में 24 उंगलियां थी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इनका कहना है कि भगवान ने इनके ऊपर खूब प्यार बरसाया है। दोस्तों, इनका असली नाम है अलेक्जेंडर और वो कहते हैं कि 24 उंगलियों की वजह से ये कहीं ज्यादा तेज गति से काम करते हैं, ये कहीं ज्यादा फास्ट पेड़ पे चढ़ते हैं, ये कहीं ज्यादा रफ्तार से किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं। ये बात सच भी निकली दोस्तों, एक प्रतियोगिता के समय इस बात का अनुभव किया गया कि किसी भी और प्रतियोगी के मुकाबले कहीं ज्यादा स्पीड से पेड़ पे चढ़ने में कामयाब हो गए। नंबर 9। इन्हें टर्टल बॉय कहा जाता है, यानी कि कछुआ। जी हाँ दोस्तों, आप इनकी पीठ को देख के ही समझ गए होंगे कि इन्हें क्यों टर्टल बॉय कहा जाता है। दोस्तों, ये कोई मसल नहीं है इस लड़के के पीठ पर। आपको लग रहा होगा कि ये तो मांस है जो इस बच्चे की पीठ से लटक रहा है, लेकिन दोस्तों ये एक प्रकार की बीमारी है जो कि तिल के बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस बच्चे का तिल इतना बढ़ गया कि कोलंबिया के लोग इसे टर्टल बॉय के नाम से ही बुलाने लगे। लेकिन इस कहानी में सबसे अच्छी बात ये हुई है दोस्तों कि अब ये बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। कहते हैं ना कि इसी दुनिया में डॉक्टर के रूप में भगवान होते हैं। इस बच्चे की भी जान इंग्लैंड के एक डॉक्टर ने बचाई है, उन्होंने इसका मुफ्त इलाज किया है, यहाँ तक कि कोलंबिया से इंग्लैंड आने जाने तक का किराया भी दिया। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आज के जमाने में भी इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो दुनिया को खूबसूरत बना रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये डॉक्टर इंग्लैंड के जाने माने प्लास्टिक सर्जन है। भाई, इस डॉक्टर के नाम पर लाइक और कॉमेंट्स की तो बौछार होनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो पे अपनी राय हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के वीडियोस रोज ही बनाते रहते हैं।